जिंदगी में सुइसाइड बहुत ख़राब और दर्द भरे शब्द होते हैं, चाहे वो मनुष्यों के लिए हो या पशु पक्षी के लिए हो। अगर आप एनिमल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि अक्सर पशु पक्षी कभी भी खुदकुशी नहीं करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं गलत साबित कर देते असम के एक छोटा सा शहर ने, जिस शहर का नाम है जाटिंगा, जहाँ पर हर साल मानसून के सीजन के बाद यानी सितंबर या अक्टूबर के महीने में देश विदेश से हजारों पक्षी आकर यह खुदकुशी करते हैं। और इन पक्षियों में 44 प्रजातियों के भी पक्षी पाए जाते हैं। अक्सर ये इंसिडेंट अमावस्या के रात यानी 6 PM से 9:30 PM के बीच होता है, जब वहाँ के लोगों के घर में चिराग या रोशनी जलते हैं। गांव के चारों तरफ के पहाड़ों से पक्षियाँ निकल कर रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। उसके बाद जब सुबह होते हैं तब चारों तरफ मरे हुए पक्षियाँ और पक्षियाँ नजर आते हैं। देश विदेश के किसी साइंटिस्ट ने आज भी इस घटना का एग्जैक्ट रहस्य नहीं निकल पाए। अगर ऐसी ही ऑथेंटिक यूनिक इन्फॉर्मेशन बेसिक हिस्ट्री के साथ आप 1 मिनट या 2 मिनट से कम समय में देखना चाहते हैं, तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डिजिटल ज़माने में 1 मिनट का महत्व तो बहुत होता है।